नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी है, राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने वृक्ष मित्र सम्मान प्रदान किया। कल्पतरु नाम का एक संस्थान है, इस कल्पतरु संस्थान ने कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें वृक्ष मित्र सम्मान प्रदान किया। ऐसे लोग जो पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, लगातार वृक्षारोपण कर रहे हैं, पौधा संरक्षण से काम उनका है, उन सभी को वृक्ष मित्र सम्मान प्रदान किया गया। इसके बाद हमारा इंडेक्स, जिसमें तीन खास जानकारियाँ। पहली है वृक्ष मित्र सम्मान समारोह। शुरुआत करते हैं वृक्ष मित्र सम्मान समारोह, जिसका आयोजक है कल्पतरु संस्थान। राज्यपाल ने इसमें शिरकत की कार्यक्रम में, और राज्यपाल के द्वारा ही ये जो सम्मान समारोह है उसमें पुरस्कार वितरित किए गए। वृक्ष मित्र के रूप में सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवक सम्मान ये मिला उमा व्यास को। इन्होंने एक खास तरह का एक अभियान चला रखा है, और अभियान क्या है, ये प्रतिदिन एक पौधा जरूर लगाते हैं, तो प्रतिदिन एक पौधा लगाकर और उसका संरक्षण भी करते हैं, इसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवक सम्मान प्रदान किया गया। वृक्ष मित्र पुरस्कार प्राप्तकर्ता अन्य कुछ लोगों के नाम हैं, जैसे केपी करनाल, अशोक थोरात, गौतम राज शर्मा, रेणु राष्ट्रदीप, संदीप ऊषा, अंजू चौधरी, ऋषि और रितेश दुबे। इसके बाद आज का अभ्यास प्रश्न, कल्पतरु संस्थान द्वारा आयोजित वृक्ष मित्र सम्मान समारोह के तहत निम्नलिखित में से किसे वृक्ष मित्र के रूप में सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवक सम्मान प्रदान किया गया। आपके ऑप्शन है उमा व्यास, अशोक थोराट, अंजू चौधरी या फिर रितेश दुबे। क्या होगा इसका उत्तर, वो आप बताएं कमेंट्स में।